सारे देवता तो आगे निकल गए थे गणेश जी से, फिर भी गणेश जी प्रथम कैसे आए? यही रहस्य तो नहीं समझ पाए अन्य देवता। रहस्य? इसमें कौन सा रहस्य है माँ? रहस्य ये है पुत्र, कि वो स्पर्धा वाहन दौड़ की नहीं अपितु बुद्धि की स्पर्धा थी। बुद्धि की? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है माँ। उसके लिए पूरी कथा सुननी पड़ेगी ना पुत्र। तो फिर दौड़ चल रही थी। अच्छा, मुझसे आगे रावत, आगे बढ़ो। मयूर, शीघ्र चलो। चलो मयूर। कार्तिके, तुम कितना भी प्रयास कर लो, विजय श्री तो मुझे ही प्राप्त होगी। सेनापति राजा से नहीं जीत सकता। एक युद्ध सेनापति के कारण ही जीता जाता है। राजा का तो मात्र नाम होता है, देखते हैं विजय किसकी होती है। और तीव्रता रावत। मयूर, गति बढ़ाओ। ये कैसे हो सकता है माँ? गणेश जी तो आगे बढ़े ही नहीं थे और सब इतना दूर चले गए थे। गणेश जी तो कैलाश में ही रह गए, फिर तो वो विजय हो ही नहीं सकते थे ना माँ। पूरी कथा तो सुनो पुत्र। मुझे तो पहले से ही ज्ञात था कि गणेश भैया से कुछ नहीं हो पाएगा। मेरी बात मान लेते तो अच्छा होता। प्रभु, लगता है गणेश भैया स्पर्धा छोड़कर लौट आए। क्या हुआ पुत्र, प्रतिस्पर्धा को बीच में ही छोड़कर चले आए? प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। कल्याण हो। अच्छा, अब मैं समझा। गणेश भैया, आप माता पिता का आशीर्वाद लेने के पश्चात
स्पर्धा में भाग लेंगे, है ना? किंतु गणेश भैया, बाकी देवतागण तो बहुत आगे निकल गए और आप इस स्पर्धा में बहुत पीछे, तो फिर आप ये स्पर्धा कैसे जीतोगे? प्रिय मूषक राज, माता पिता की परिक्रमा आरंभ करें। देखा कार्तिके, मेरे एरावत के समक्ष तुम्हारा मयूर कुछ नहीं कर सका। और तीव्र गति मयूर, और तीव्र गति। तीव्र गति मयूर, और तीव्र गति। आपका एरावत तो पीछे रह गया देवराज। अच्छा, मुझसे आगे? एरावत, आगे बढ़ो तीव्र गति से। मयूर, शीघ्र चलो। रावत, अपनी तीव्रता बढ़ाओ। ये प्रतिस्पर्धा तो देवराज इंद्र ही जीतेगा। शीघ्र चलो मयूर, मयूर तीव्र गति से चलो। मैं विजयी हो गया, प्रथम आया हूं मैं। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। कल्याण हो। माँ, प्रतिस्पर्धा में तो शिवजी के पुत्र कार्तिकेय जी ही प्रथम आए और आप कह रही हैं कि गणेश ही प्रथम आए। गणेश जी कैसे प्रथम आए? यही तो वो ज्ञान है जो सारे संसार को समझना चाहिए। माँ, आप कभी रहस्य कहती हैं और कभी ज्ञान बताती हैं। धीरज रखो पुत्र, अब ध्यान से सुनो कि आगे क्या हुआ।
शिवपुत्र विजयी हुए, शिवपुत्र विजयी हुए, शिवपुत्र विजयी हुए। ये सत्य है कि इस प्रतिस्पर्धा में शिवपुत्र ही विजय हुए। कार्तिके, इस स्पर्धा में तुम्हारी ही विजय हुई है। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। देखा गणेश, देवराज तुम्हारा उपहास उड़ा रहे थे ना कि तुम क्या स्पर्धा करोगे, किंतु मैंने प्रथम आकर उनके उपहास का उत्तर दे दिया। अच्छा हुआ जो तुम स्पर्धा से हट गए। किंतु मैं तो स्पर्धा में था। क्या तुम स्पर्धा में थे और यहाँ मुझसे भी पहले आ गए? परिहास कर रहे हो क्या? नहीं भैया, मैं परिहास नहीं कर रहा हूँ। ये सत्य है कि विजय शिव पुत्र की ही हुई है, किंतु वो शिव पुत्र है गणेश। गणेश आगे आओ पुत्र। पिताजी, गणेश कैसे विजयी हो सकता है? वो तो प्रतिस्पर्धा में था ही नहीं। गणेश ने एक बार नहीं, तीन बार परिक्रमा पूरी की है और ये सिद्ध कर दिया है कि बुद्धि से जो कार्य किया जाए वो शक्ति पर विजय दिला सकता है। बुद्धि और शक्ति की प्रतिस्पर्धा में विजय सदैव बुद्धि की ही होती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है पिताश्री की बुद्धि का इस प्रतिस्पर्धा से क्या संबंध। स्पर्धा तो संसार की परिक्रमा की थी जो गणेश ने की ही नहीं। पुत्र कार्तिकेय, मैंने कहा था कि परिक्रमा संसार की करनी है। यदि तुमने बुद्धि का प्रयोग किया होता तो तुम्हें समझ में आ जाता कि मेरे इस कथन में कोई रहस्य छुपा हुआ है। शक्ति की परीक्षा तब होती है जब सभी प्रतिभागी समान शक्ति और क्षमता वाले हों, उनके साधन भी एक से हों। ये प्रतियोगिता थी बुद्धि और शक्ति की। गणेश ने बुद्धि से कार्य किया और मेरे कहे गए संवाद का सही अर्थ समझकर उन्होंने हमारी तीन बार परिक्रमा की। किंतु स्पर्धा तो संसार की। संतान का संसार उसके माता पिता होते हैं, यह शाश्वत सत्य है। जिसने अपने माता पिता का सम्मान किया वही सम्मान पाने का सच्चा अधिकारी है। देवताओं से लेकर मनुष्य तक सभी में सर्वप्रथम वही पूजनीय होते हैं। अतः सभी देवताओं की उपस्थिति में मैं गणेश को सर्वश्रेष्ठ और प्रथम पूज्य देवता होने का अधिकारी घोषित करता हूं। गणेश, तुम सच में बुद्धि के देवता हो। आज से ये विधान घोषित किया जाता है कि सृष्टि में कोई पूजा, यज्ञ या अन्य कोई भी शुभ कार्य किया जाएगा तो उसके आरंभ में सर्वप्रथम
गणेश की ही पूजा की जाएगी। ये सत्य है द्वारकाधीश कि संसार में संतान को जन्म देने वाले माता पिता ही होते हैं। माता पिता ही संतान की सृष्टि करता है। हाँ प्रिय, माता पिता के बिना कोई भी संसार में नहीं आ सकता। इसीलिए कहा गया है कि संतान का संसार माता पिता ही होते हैं। शिवजी के पुत्र गणेश ने यह सिद्ध किया है। संतान को सांसारिक ज्ञान माता पिता ही देते हैं, अतः माता पिता की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। माता पिता की सेवा ही संतान का प्रथम धर्म है। आप सत्य कह रहे हैं प्राणवल्लभ। माता पिता की सेवा करने वाला देव दानव मानव कोई भी हो, वो ही मनुष्य से लेकर देवताओं तक सबसे सम्मान पाने का अधिकारी होता है। माता पिता की सेवा से बड़ा और कोई पुण्य नहीं है। किंतु प्रिय, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जगत एक कर्म भूमि है। जो भी इस जगत में आया है उसे कर्म करना ही होता है। जो अपने कर्मों को छोड़कर केवल सेवा में ही लगा रहे, वो ना तो सुख पा सकता है और ना ही भौतिक रूप से सम्मान पा सकता है। अतः जो माता पिता की सेवा के साथ साथ अपने कर्म भी करे, वो ही जगत में सुख और सम्मान पाने का अधिकारी होता है। तो सुना पुत्र, गणेश जी कैसे प्रथम पूज्य बन गए? अब बताओ, इस कथा से तुम्हें कौन सी सीख मिली? माँ, मुझे इस कथा से ये सीख मिली है कि बुद्धि शक्ति से अधिक श्रेष्ठ है। माता पिता ही पुत्र के संसार होते हैं। जो अपने माता पिता की श्रद्धा भाव से सेवा करे, उन्हें देवता भी सम्मान देते हैं और देवताओं के वरदान उन्हें बिन मांगे ही मिल जाते हैं। माँ, आप मेरे साथ चलिए। अब क्या हुआ पुत्र? आप चलिए ना माँ। आइए माँ, आइए। क्या हुआ पुत्र? पिताश्री यहाँ आइए, बैठिए। क्या बात है? पिताश्री आप बैठिए। माँ आप यहाँ आइए, आप बैठिए यहाँ पे। पुत्र बताओ तो हुआ क्या है? ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान ने जान लिया, बुद्धि की शक्ति को मान लिया। मात पिता के चरणों में होता है संसार ये मान लिया। कर परिक्रमा मात पिता की, सच्चे सुख को पा लिया। धन्य है अंजना केसरी, हनुमत जैसा पुत्र हुआ। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर। ये क्या कर रहे हो हनुमान? नानी, मैं सृष्टि की परिक्रमा कर रहा हूँ। मेरे संसार ही मेरे माता पिता हैं। मेरे भगवान भी मेरे माता पिता हैं। मेरे सृष्टि कर्ता मेरे माता पिता हैं नानी। इसीलिए मैं इनकी परिक्रमा कर रहा हूँ।